फिल्में देखते हैं आप? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। फिल्में तो देखने का टाइम ही नहीं मिलता, फिल्में देखने का टाइम बिल्कुल नहीं है। और पहले कभी हमने बागवान को देखा है, और कुछ पुरानी पिक्चरें हैं जो देखा है, जो अच्छी हैं उन्हें देखा है पहले। आज की नई पिक्चरों को देखने का टाइम ही नहीं, देखती नहीं। तो फेवरेट एक्टर कौन है आपका? नहीं, एक्टर एक्टर कहाँ फेवरेट होते हैं, सब अभी तो आपने शुरुआत में ही बोल दिया। बेच रहे हैं, गुटखा बेच रहे हैं, नालायकों को क्या फेवरेट माने, इनको फेवरेट क्यों माने। हमारे फेवरेट तो तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, रैदास जी हैं, मीरा जी हैं, इन नालायकों को क्या फेवरेट माने। ये तो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो गलत प्रचार कर रहे हैं, भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। अब बताओ, सारे बच्चों को कह रहे हैं कि तुम जंगली रमी डाउनलोड कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो जुआ वाला, अब बताओ। और बाद में कहते हैं ये आपके लिए हानिकारक, खतरे का वित्तीय जोखिम लग सकता है, डिस्क्लेमर चला। हाँ भाई, जब जोखिम है तो काहे डाउनलोड करा रहे हो, ये बच्चे तो करके ना बर्बाद हो जाएंगे। तो इन लोगों को फेवरेट मान के हम अपना नाश करेंगे क्या? हमारे फेवरेट तुलसीदास जी, सुखदेव भगवान, परीक्षित जी, चलिए आप भक्त फेवरेट हैं हमारे। एक्टर्स हटा देती हूँ, बॉलीवुड हटा देती हूँ, पॉलिटिक्स में कौन फेवरेट है, किसको पसंद करते हैं? मोदी जी बढ़िया। मोदी जी, मोदी जी तो सबके दिलों में बस रहे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, शुभकामनाएं दे दीजिए यहीं से। बिल्कुल, हमारी तो शुभकामना है, हमारी इतनी सारी बात है, शुभकामनाएं तो थी जी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की। हम तो कह रहे चौथी बार भी बने, पांचवी बार भी बने, जब तक वो हैं, भगवान करे उनकी आयु लंबी हो, जब तक वो तब तक वो प्रधानमंत्री ही रहे, क्योंकि इतना बढ़िया प्रधानमंत्री देश को बड़ी कृपा से नसीब होता भाई। प्रधानमंत्री देखो राजा कैसा हो, ना आगे कोई ना पीछे कोई, केवल राष्ट्र है, बाकी लोग तो अपने परिवार को पालने में लगे हुए हैं, सबके परिवार है, बेटा को टिकट, बहू को टिकट, पत्नी को टिकट, सबको सांसद विधायक बनाए फिर रहे हैं। मोदी जी ने कोई बेटे को टिकट दी अपने? किसी को नहीं। क्यों? उनका परिवार 140 करोड़ जनता ही उनका परिवार है, समझ लो कि आपका हितैषी कौन है। नहीं समझोगे तो फिर आप जानो और आपका काम जानो।